चलो दोस्तों, चौकट के बीच में हम जब मार्बल या ग्रेनाइट फिट करते हैं एक पीस में, तो हम उसकी मार्किंग किस तरीके से करते हैं, बहुत आसान और सरल तरीके से हम आपको बताएंगे। वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले आपको जो भी पीस आप कटिंग कर रहे हो उसको उल्टा रख लें। जैसे मैंने ये जो पीस रखा है, हमने उल्टा रखा है, साइनिंग इसकी नीचे है और रफ इसका ऊपर है। ये ग्रेनाइट पीस है हमारा। फिर आपको गुनिया लगा लेना है इस तरीके से, और जो चौकट की चौड़ाई है, चौड़ाई नापना है आपको, कितनी भी इंच हो, 2 इंच हो या 2.5 या 3, जितनी भी इंच हो आपको उस हिसाब से आपको मार्किंग कर लेना है। उसके बाद आपको अंदर साइड से नापना होगा। जैसे ये हमारी सिर्फ आप एक सूत ढीली रखें जिससे आपकी फंसे नहीं चौकट में और आसानी से बैठ जाए। जैसे ये मैंने अंदर साइड से नाप ली है। फिर आप दोबारा नाप लें, जो आपकी खांची होती है चौकट में वो भी नाप लें, और फिर एक बार और आप नाप लें, जितनी आपकी चौखट दूर हो रही हो आपके पीस से वो भी नाप लें। इस हिसाब से सबसे मेन चीज़ होती है मार्किंग करना, निशान लगाना। अगर आपने ये देख लिया और समझ लिया तो आपके लिए बहुत आसान है इस तरीके से चौकट काटना। बिना गेज और बिना कोई भी टूल्स के आप आसानी से काट सकते हो इसको। एक साइड पे मैंने मार्किंग कर ली, जो हमने मार्किंग के निशान लगा दिए। अब ये हमारी कटिंग होना है। अब हम दूसरी साइड नापेंगे। दूसरी साइड आपको चौकट, जो आपकी चौकट है, चौकट का अंदर का सिरा लेना है। जैसे हमने ये नापा है, ये हमारा अंदर का सिरा है। अंदर आपकी जितनी भी हो रही हो, 40 इंच या 36 या कोई भी साइज हो रही हो, वो साइज पर आपको निशान लगाना है। उसके बाद आपको जैसे हमने वहाँ पर गुनिया रखी थी उसी हिसाब से आपको इस साइड में भी गुनिया रखना है, और चौखट की मोटाई देखना है कि आपकी चौखट की मोटाई थिकनेस कितनी है, उस हिसाब से आपको मार्किंग कर लेना है। और फिर उसके हिसाब से सेम वही प्रोसेस रहेगा जिस तरीके से हमने वहाँ पर मार्किंग की है। अगर आप उल्टा पीस रख के कटिंग करते हो तो हम आपके जो एक्स्ट्रा कटिंग के निशान होते हैं वो नीचे चले जाएंगे और ऊपर आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे अगर आप उल्टी साइड में निशान लगा के कटिंग करते हो। एक बार रख कर हम इसको चेक कर लेंगे कि ये हमारा सही है क्या नहीं। अगर आपका थोड़ा बहुत अड़ता है या फंसता है तो फिर आप उसको हल्के हल्के सही कर लें। और ये हमारा कमरा ऊंचा है गैलरी से, तो हम इस पर मोल्डिंग भी कर लेंगे। ये कमरा हमारा गैलरी से 1.5 इंच ऊंचा है, इसलिए हम इसमें पट्टी लगाएंगे, क्योंकि जो कमरा है मिस्त्री ने काफ़ी ऊंचा बना दिया था, उसकी छुट्टी हो चुकी है, काफ़ी गलत काम कर दिया था उसने यहाँ पर। और जो हमारे साटों के पीस है सारे मैंने दोबारा चेंज करके लगाए हैं। मैंने गैलरी को इसलिए नीचे किया है, जो हमारा मेन गेट है वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, अगर हम इसको डाउन नहीं करते तो हमारा गेट काफ़ी ज़्यादा कट जाता और ख़राब हो जाता, तो मैंने इसको डाउन करके लगाया है। इससे आपका कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ हमें 1.25 इंच की पट्टी लगाना पड़ी नीचे। आप इस तरीके से नहीं लगाएं, अगर आप ऊंचा करते हैं तो फिर जितनी आपकी थिकनेस होती है ग्रेनाइट की उतना ही ऊंचा करें आप।
ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ, इसमें बिल्कुल भी ग्रुप नहीं है हमारी चौखट के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।